ब्रेकिंग न्यूज। चित्रकूट बरगढ़ पत्रकार को दी गई जान से मारने की धमकी, थाना बरगढ़ में नहीं हुई कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ। आपको बता दें, कुछ हफ्ते पहले ग्राम पंचायत मनका में गोली चली थी जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। उसका सच दिखाना एक पत्रकार को पड़ गया महंगा। उसको दिया गया जान से मारने की धमकी, उसने प्रशासन को अवगत कराया, थाना बरगढ़ में एप्लीकेशन दिया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना बरगढ़ में SHO रवि प्रकाश कभी भी पत्रकार को अहमियत नहीं देते हैं, यहाँ तक कि थाने में उनका सम्मान नहीं किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई आम आदमी आया हो। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल जी जो तुरंत कार्रवाई करते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है, उसमें थाना बरगढ़ प्रभारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? क्या पत्रकार को कोई जिंदगी नहीं है? इंस्पेक्टर रवि प्रकाश कभी भी किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिख सकते हैं, वह चाहे अजय शुक्ला हो या प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ का पत्रकार हो। स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, क्या वजह है, ये तो यही बताएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए प्रतापगढ़ में कांड हुआ है पत्रकार के साथ, वैसा थाना बरगढ़ में पत्रकार के साथ कांड हो जाए। इसीलिए इसकी जांच गहराई से करके इंस्पेक्टर रवि प्रकाश को व अन्य अधिकारियों को संज्ञान में लिया जाए। जो आप अजय शुक्ला की जुबानी सुन सकते हैं, अजय शुक्ला बहुत ही डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। अजय शुक्ला कौन है, हम बताने जा रहे हैं। अजय शुक्ला इंडियन लाइफ TV चैनल पर पत्रकार हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री हाईकोर्ट का आदेश है, पत्रकार को धमकी देने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल होगी। इसका कितना पालन हो रहा है आप बरगढ़ थाने में देख सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, ब्यूरो 12 अतुल त्रिपाठी प्रयागराज, थाना रिपोर्टर इम्तियाज़ खान, बरगढ़ एरिया रिपोर्टर बाल मुकुंद साहू, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख सकते हैं इस समय मेरे सामने इंडियन लाइव TV के पत्रकार अजय शुक्ला जी खड़े हुए हैं, जिनको धर से मारने की धमकी दी गई। योगी आदित्यनाथ जो बार बार कहते हैं कि पत्रकार को धमकी देने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल होगी, सिर्फ ये भाषा दिखावा है, एक ढोंग है, क्योंकि कोई अमल नहीं कर रहा है, कोई अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हैं, पत्रकार के हित में काम कर रहे हैं, तो अभी तक अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? बदे हम पूछते हैं अजय शुक्ला से, क्या नाम है आपका? अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? मैं इंडियन लाइव TV चैनल से पत्रकार हूँ। आज आपको दोबारा मीडिया को बुलवाए, क्या मतलब है आपका, क्या समय है? समस्या ये है कि मेरे साथ करिए 17 तारीख को सुबह गांव के कुछ अजानक तत्वों द्वारा धमकी दी गई और जान से मारने की गाली गलौज किया गया, जिसको लेके मैंने 17 तारीख को ही थाने में एप्लीकेशन दिया और CO साहब से मिला और SDO साहब से भी मिला, लिखित एप्लीकेशन दिया। लेकिन आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं, अभी तक ना तो कोई FIR हुआ है और ना तो अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है और मेरे ऊपर आज भी जान से जाने की खतरा बना हुआ है, कभी भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा, खतरा हो रहा है? अब इसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा, क्योंकि मैं जब गुहार लगा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहा हूँ, मैं उनके स्टोनर से बात कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने अजय कुमार शुक्ला जी जा रहे हैं? आखिर ये नौमत आ गई है पत्रकार को कि एक मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, इनको न्याय नहीं मिल रहा है इनका स्थानीय प्रशासन से। माननीय मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए बताइए, पत्रकार विवश हो रहे हैं। ऐसे पत्रकारिता जो जन जोखिम में डालकर सच्चाई दिखाते हैं, उनको हमेशा जान का खतरा बना रहता है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। सही। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दोनों साहब से बात किया हूँ, उन्होंने कहा आप आज नंबर बताइए। जी हाँ जी, मेरे पास नंबर है और ये आपको इसका जो नंबर है हमारे पास 0522239990। तो इनसे हमारी बात हुई है, इन्होंने कहा आप आ जाइए मंगलवार को, तो हम कल शाम को निकलेंगे यहाँ से और मंगलवार को हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपने लिए और अपने सभी पत्रकार साथियों के लिए गुहार लगाएंगे कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कि अपने भाषण में अपने मंच से बोलते हैं कि पत्रकारों के लिए
24 घंटे में जेल और 50,000 का जुर्माना अपराधी जेल के अंदर होगा। लेकिन आखिरकार मैं उनसे पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, वजह क्या है? क्या पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर खबर कवरेज करता है, खबर प्रकाशित करता है, तो क्या यह गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो हम लोग पत्रकारिता करना छोड़ दें, और देश का चौथा स्तंभ आज खतरे में है, और देश जगह जगह से आप देखते हैं, देख सकते हैं अदर शुक्ला जी ने क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पत्रकार मर जाता है तो सोचता है कहीं एक मक्खी मर गई, ऐसा सोचा जाता है। पत्रकार को कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, फिर भी जान में जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाते हैं और पत्रकार को ही धमकी दिया जाता है। दो आदेश अदर शुक्ला जी हमारे सामने बता रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा, प्रतापगढ़ के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या कर दी गई है शराब माफियाओं द्वारा। तो आखिरकार बहुत बड़ा विषय है कि पत्रकार जब थाने जाता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करता है, अपराधी को पकड़ने की बात करता है, तो अगर 10 दिन अगर पुलिस प्रशासन ऐसे ही हाला हवाला देती रही तो ऐसे ही पत्रकारों की हत्या होती रहेगी और देश का चौथा स्तंभ खतरे पे और जाता रहेगा, फिर देश के चौथे स्तंभ को कोई बचा नहीं पाएगा। अगर यही रहा, देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा इनको जान का खतरा है, सुरक्षा नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्या है कि मिली भगत का इशारा तो नहीं है? प्रयागराज न्यूज से मंगवीरो की स्पेशल रिपोर्ट।